सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, आज मेरे पास आप लोग के लिए 3-4 अपडेट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। तो गाइस, ऋषभ पंत का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, आपको पता ही होगा। और वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि ऋषभ पंत गाड़ी चलाते चलाते उनकी आंख लग गई थी, जिसके बाद उनकी कार एक डिवाइडर में जाकर के टकरा गई थी। लेकिन अभी दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ऋषभ पंत से हॉस्पिटल में उनसे मिल करके आए हैं। और वहां पर उसके बाद पुष्कर धामी ने ऋषभ पंत को लेकर के ये कहा है कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट एक गड्ढे की वजह से हुआ है। जी हां दोस्तों, वहां पर एक गड्ढा था जिसमें शायद गाड़ी टकरा गई या जिसकी वजह से गाड़ी जंप खा गई, और उसी की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, पुष्कर धामी का ऐसा कहना है। ऐसी खबरें आ रही हैं। ऋषभ पंत के हादसे पर बड़ा बयान आया है, सड़क पर गड्ढे के कारण ही हादसा हुआ है। तो सीएम धामी की तरफ से ये बात कही गई है, ऋषभ पंत के हादसे पर सीएम धामी का ये बड़ा बयान है। फिलहाल दोस्तों, इस मैटर पर आप लोग क्या कहना चाहते हो, आप लोग आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। तो गाइस, राउंड टू हेल का जॉम्बी का पार्ट 2 कल आ गया है 31 दिसंबर, और उनके उस वीडियो ने आते ही तबाही मचा दी है। बहुत ही बढ़िया उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनका वो वीडियो अभी ट्रेंडिंग के सेक्शन 1 पे चल रहा है। राउंड टू हेल के बारे में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लगाया और वहां पर कहा कि इंडिया में ये वीडियो ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा है, पाकिस्तान पे 24 नंबर पे चल रहा है, और नेपाल में 19 नंबर पे ये वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। और अभी दोस्तों, उनके वीडियो को आए करीबन 22 घंटे हो चुके हैं, और उनके वीडियो पे करीबन 10 मिलियन व्यूज भी आ चुके हैं, और उनके वीडियो पर 1.5 मिलियन लाइक भी आ चुकी है। तो गाइस, आप लोग ने राउंड टू हिल के इस वीडियो को अभी तक देखा या नहीं, और देखने के बाद आपको कैसा लगा, आप लोग हमें आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं अमित भड़ाना के बारे में। तो गाइस, अमित भड़ाना का नया वीडियो उनके चैनल पर आ चुका है। उनके इस वीडियो का टाइटल का नाम है बकरा नहीं मजनू हलाल अमित भड़ाना। अब गाइस, उनके इस वीडियो को आए करीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स दिख नहीं रहा है। यहाँ पर 5 लाख व्यूज भी कम्प्लीट नहीं हुए हैं। बाकी आप लोग ने अमित भड़ाना के इस वीडियो को देखा या नहीं, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं एक फ्री फायर यूट्यूबर बैड्स 99 के बारे में। तो गाइस, ये फ्री फायर के काफी बड़े क्रिएटर हैं, इनके चैनल पर करीबन 9 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं, और ये बहुत दिनों से अपने फेस को रिवील करने वाले थे, लेकिन फाइनली दोस्तों आज इन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया है। अब दोस्तों, इनके फेस रिवील करने का जो तरीका था, जो आज तक यूट्यूब पे कभी किसी ने नहीं किया है, इन्होंने पूरा एक वीडियो बनाया है जो कि पूरा सिनेमैटिक टाइप का 10 मिनट का वीडियो है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों ने देखा या नहीं, आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी नहीं देखा तो चलो, मैं यहाँ पे आप लोगों को उस वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। आपके कहने पे फेस रिवील करना है। यू भरत खा गई ना धोखा। तो यहाँ पर बहुत ही गजब मतलब की फेस रिवील वीडियो था। बाकी हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई अज्जू भाई भी कुछ ऐसे ही अमेजिंग, कुछ धमाकेदार लेके आए और वो भी अपना फेस रिवील करे टोटल गेमिंग, तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मेरे पास आज इतनी ही अपडेट थी। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा देना। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।